जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तैमूर लंका भारत पर आक्रमण, तिमूर इन्वेजन ऑफ इंडिया। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने तुगलक डायनेस्टी खत्म करी थी। हमने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक के जो पॉलिसीज थी उनके फेलियर के कारण क्या थे। इसके बाद फिर हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा था, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने उनकी शासन नीति, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा और रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक के बाद, ठीक है, कोई भी ऐसा तुगलक शासक नहीं था जो उतना ज़्यादा केपेबल हो कि वो दिल्ली सल्तनत को संभाल सके। तैमूर लंग ने इसी का फायदा उठा करके 1398 में, तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया? 1398 में भारत पर आक्रमण किया, ठीक। और उस टाइम पर भारत के जो सुल्तान थे या दिल्ली सल्तनत पर जो गद्दी पर बैठे थे वो थे नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कौन थे? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। इनको तुगलक वंश का आखिरी शासक भी माना जाता है, आखिरी सुल्तान भी माना जाता है। और इन्हीं के समय पर, देखिए आपको नाम याद रखना है, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक, उसी के समय पर तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली पर, ठीक। दिल्ली दिल्ली को उसने जीता, लूटा पूरी तरीके से और वापस अपनी जगह वापस लौट गया। फिर इसी तैमूर लंग का एक गवर्नर था जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में था या पंजाब प्रोविंस में, जिसका नाम था खिज्र खां। ये नाम आपको याद रखना है, खिज्र खां, ठीक, क्योंकि ये वही खिज्र खां है जो तुगलक वंश को खत्म करेगा, ठीक है, और सैयद वंश की स्थापना करेगा। दिल्ली सल्तनत में जो चौथी डायनेस्टी जिसने शासन किया तुगलकों के बाद वो थी सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। अब ये खिज्र खां कौन था? ये तैमूर लंग का ही एक गवर्नर था, ठीक, जो तैमूर लंग ने जो एरिया जीते थे, ठीक है, वहीं पर ये गवर्नर के रूप में काम करता था, नॉर्थ वेस्ट, या अगर हम बात करें तो जो पंजाब वाला रीजन, ठीक। तो इस तरीके से तैमूर लंग ने 1398 पे भारत पर आक्रमण किया, ठीक, और तुगलक वंश की समाप्ति भी इसी आक्रमण से हुई। तुगलक वंश का भी जो खात्मा हुआ वो किस आक्रमण से हुआ? तैमूर लंग के आक्रमण से। अब इस क्लास में हमको जो पढ़ना है, ठीक, तो सबसे पहले तो हमें देखना है तैमूर लंग के बारे में कि तैमूर लंग कौन था, कहाँ से आया था, ठीक है। इसके बाद फिर हम वो कारण देखेंगे कि भाई किस रीजन से तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि रीजंस होते हैं किसी भी चीज के कहीं ना कहीं आक्रमण करने के। तो तैमूर लंग के क्या वो रीजंस थे जिसके कारण उन्होंने आक्रमण किया, और फिर हम पढ़ेंगे कि भाई जो आक्रमण करके तैमूर लंग ने भारत को जीता तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा भारत के ऊपर, मतलब भारत के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा तैमूर लंग के आक्रमण का, ठीक। तो आज हमें ये तीन चीजें पढ़नी है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तैमूर लंग की, ठीक, तो तैमूर लंग की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है, ठीक है, अगर हम बात करें तो समरकंद जो जगह है, समरकंद, समरकंद के पास ही एक जगह है कैश। कौन सी जगह है? कैश। तो समरकंद के पास ही एक जगह है कैश, जहां पर तैमूर का जन्म हुआ था, ठीक है। ये जो तैमूर है इसका जन्म कहाँ हुआ था? कैश में हुआ था, जो समरकंद में स्थित है, ठीक। ये एक तुर्क का पुत्र था, आमिर तुर्क का पुत्र था ये, ठीक है, एक आमिर तुर्क थे उनका पुत्र था ये, ठीक है, ठीक। और 33 ईयर्स, मतलब जब ये 33 साल का हुआ, 33 ईयर्स की आयु में, ठीक है, ये चकदई, याद रखिएगा, चकदई, चकदई तुर्क का, ठीक, चकदई तुर्क का प्रधान बन गया था ये, ठीक। मतलब तैमूर लंग का जन्म कहाँ हुआ? कैश में।
कैश कहाँ है, आज का जो समरकंद वाला रीजन है, ठीक है, मतलब आज का मॉडर्न डे अगर हम बात करें तो ईरान वाले में है समरकंद, ठीक है। ये समरकंद जगह बाबर से भी रिलेटेड है, हम आगे पढ़ेंगे, जब हम मुगल वंश पढ़ेंगे तो बाबर भी उन्हीं के समरकंद के पास का ही कहीं का शासक था, ठीक। तो तैमूर लंग का जो जन्म हुआ वो कैश में हुआ, ठीक है। ये एक आमिर तुर्क का पुत्र था, ठीक। 33 वर्ष की आयु में चगदई तुर्क, ठीक है, का प्रधान बना, और वहीं से इसने पर्शिया और अफगानिस्तान पर कब्जा किया। मतलब पर्शिया और अफगानिस्तान पर कब्जा इसने कब से शुरू किया, जब ये चगदई तुर्क का क्या बना, शासक बना, ठीक है, या एक तरीके से प्रधान बना, ठीक है। तब इसने फारस या पर्शिया को और अफगानिस्तान को जीत लिया था, ठीक। तो ये था तैमूर लंग के बारे में, ठीक। तो तैमूर लंग की बात करें तो ये कैश में इसका जन्म हुआ, कैश में, ठीक है, जो समरकंद पे लोकेटेड है, ठीक है। ये एक आमिर तरगई, ठीक है, आमिर तरगई के बेटा था ये, ठीक है। 33 साल की उम्र में ये हेड किसका बन गया, चगदई तुर्क का, और इसने पर्शिया और अफगानिस्तान पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। पर्शिया और अफगानिस्तान पर इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक। तो ये था तैमूर लंग के बारे में, ठीक। अब तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था, ठीक है। तो अब हमें यह देखना है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, ठीक। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर तैमूर इन्वेजन, ठीक है, तैमूर लंग के आक्रमण का भारत पर क्या कारण था, ठीक है, किस कारण से उसने आक्रमण किया। सबसे पहला था रिलीजियस रीजन, रिलीजियस रीजन, रिलीजियस रीजन मतलब धार्मिक कारण। देखिए तैमूर की आत्मकथा, ठीक है, तैमूर की एक ऑटोबायोग्राफी रही है, ठीक है, इसका नाम है मल फुसात, मल फुसात ए तैमूर, ठीक। ये तैमूर लंग की ऑटोबायोग्राफी थी, मुल फुसात ए तैमूर, ये आपको याद रखना है, मुल फुसात ए तैमूरी, सॉरी तैमूरी, ठीक है। ये किसकी आत्मकथा थी, ये तैमूर की आत्मकथा थी। इसमें यह ज्ञात होता है कि तैमूर का भारत पर आक्रमण का कारण था काफिरों का उन्मूलन, मतलब जो नॉन इस्लामिक थे, ठीक है, जो नॉन इस्लामिक लोग थे, ठीक है। देखिए आप जानते हैं हिंदुस्तान सबसे बड़ा मूर्ति पूजा का केंद्र था, जहां पर सबसे ज्यादा मूर्ति पूजन होता था, और इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजन क्या था, खिलाफ था। तो चूंकि यहां पर गैर इस्लामिक लोग ज्यादा रहते थे, ठीक है, जो नॉन इस्लामिक हुआ करते थे, जिनको, जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखते थे, जिनको क्या कहा जाता है, काफिर बोला जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, काफिर बोला जाता है, जो अल्लाह पे विश्वास नहीं रखते, ठीक। तो जो काफिर थे, ठीक है, उनको खत्म करने के लिए, उनका उन्मूलन करने के लिए, ठीक है, और मूर्ति पूजन को समाप्त करने के लिए तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक। मतलब इसकी जो आत्मकथा है मुल्फसात ए तैमूरी, उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि तैमूर पे भारत का आक्रमण जो था वो सिर्फ और सिर्फ काफिरों का उन्मूलन करने के लिए था, मतलब काफिरों को खत्म करने के लिए था, या उनके धर्म को खत्म करने के लिए था, मूर्ति पूजन को समाप्त करने के लिए था, ठीक। और एक तरीके से कहा जाए तो गाजी बनने का प्रयास था, तैमूर लंग का क्या था, गाजी बनने का प्रयास। देखिए गाजी आप जानते हैं, मैंने जब आपको गाजी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि गियाजुद्दीन तुगलक जो है वो गाजी मलिक हुआ करते थे, तो उनको गाजी क्यों बोला जाता है, क्योंकि दीन के काम के लिए जो सफलता पूर्वक काम को सफल बनाता है उसी को गाजी कहा जाता है, दीन के काम के लिए, उनके इस्लाम धर्म को फैलाने के काम के लिए, ठीक। तो ये गाजी बनना चाहता था, ठीक है, और इसी कारण से इसने भारत पर आक्रमण किया ताकि काफिरों का उन्मूलन कर सके, काफिर मतलब जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, ठीक है, और दूसरा क्या था, मूर्ति पूजन को समाप्त करना था, ठीक। तो ये इसका रिलीजियस कारण था, समझ में आया आपको, ठीक। तो सबसे पहला रिलीजियस रीजन था, ठीक। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो अगला था आर्थिक रीजन, इकोनॉमिक रीजन, ठीक। अगर हम इकोनॉमिक रीजन की बात करें, आर्थिक कारण की, ठीक है, तो इस तैमूर लंग का एक पुत्र था जिसका नाम था शाहरुख, ये शाहरुख खान वाले शाहरुख नहीं है, ठीक है, तैमूर लंग का एक बेटा था, ठीक है, शाहरुख नाम का, ठीक है। चूंकि वो भारत पर तैमूर के आक्रमण करने से पहले
कई बार वो भारत आकर के भारत का भ्रमण कर चुका था, ठीक। तो शाहरुख ने अपने पिता को ये बताया कि भारत में बहुत ज्यादा धन है। देखिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ज्यादातर विदेशी आक्रमणकर्ता जो आए हैं, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया है, वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर जो रीजन रहते थे वो था पैसे को लूटना, भारत के धन संपदा को लूटना। यही बेसिक रीजन हुआ करता था किसी भी बाहरी आक्रमणकर्ता का, ठीक। तो तैमूर का जो पुत्र था शाहरुख, ठीक है, और उसी ने क्या किया था, भारत के इतने विशाल क्षेत्र, ठीक है, से परिचय कराने का काम किया था, ठीक, जो कि आक्रमण करके विजय करके प्राप्त किया जा सकता था, ठीक है। इसने कम कीमती जो मूर्तियां थी हमारे देश में, ठीक है, इसके अलावा जो बहुत सारे कीमती धातु हुआ करते थे, ठीक है, उसके संकेत दिए थे, जिसके कारण भी क्या हुआ, उसकी लालच में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि तैमूर को भारत की संपदा को लूटना। दूसरा रीजन जो है, देखिए, धार्मिक के कारण था कि उसको काफिरों का उन्मूलन करना था, वो तो ठीक था, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा रीजन था वो था धन संपदा को लूटना, भारत के पैसे को लूटना, ठीक। भारत का पैसे को लूट के कहां ले जाना, अपने वापस अपनी जगह पे जहां पे समरकंद, ठीक। तो दूसरा रीजन क्या था, इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक कारण, जिसमें तैमूर का बेटा शाहरुख ने उसको बताया भारत के धन संपदा के बारे में, भारत में क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं उसके बारे में, ठीक। तो जिसके कारण भी क्या हुआ, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना था, धन संपदा को लूटना था, ठीक। अगला, अगर हम बात करें, अगला कारण जो था वो था पॉलिटिकल रीजन, ठीक है। तीसरा जो रीजन था वो था पॉलिटिकल रीजन, मतलब राजनीतिक कारण, ठीक। देखिए, तैमूर लंग बाकी जितने आक्रमणकर्ता थे, ठीक है, उन्हीं की ही तरह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक। देखिए, महत्वाकांक्षी शासक मतलब जिसको अपना विस्तार करना हो, ठीक है, जो विस्तार करने के लिए आतुर हो, ठीक है। जैसे हमने पुराने इतिहासकारों में देखा, अगर हम बात करें अलेक्जेंडर की बात करें, तो अलेक्जेंडर भी बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी राजा था जो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। फिर उसके बाद हमने मोहम्मद गौरी को देखा, ठीक है, महमूद गजनवी को देखा। तो ये सारे क्या थे, ये महत्वाकांक्षी राजा थे, मतलब इनकी जो चाह थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक। तो एक तो तैमूर लंग जो था वो महत्वाकांक्षी शासक था, ठीक है, और अपनी महत्वाकांक्षा के चलते ही इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। देखिए, जैसे ही ये चगताई तुर्क का चीफ बना, इसने पर्शिया, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या था कि वो अपने स्टेट का एक्सपेंशन करना चाहता, ठीक। तो तीसरा रीजन था तैमूर लंग के आक्रमण का कि वो एक महत्वाकांक्षी शासक था, ठीक है, उसको अपना एरिया एक्सपांड करना था, अपने रीजन, अपनी टेरिटरी का एरिया बढ़ाना था, और इसी कारण से, राज्य विस्तार के कारण से उसने भारत पर आक्रमण किया, ठीक। तो अपने राज्य का जो विस्तार करना था उसको, इसी कारण से तैमूर लंग ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया, ठीक। तो पहला रीजन था धार्मिक, धर्म को बढ़ावा देना था, दूसरा था आर्थिक, पैसा लूटना था, और तीसरा अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना था, ठीक है। चौथा रीजन तैमूर के आक्रमण का था इनकॉम्पिटेंस ऑफ तुगलक सुल्तान। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि फिरोज शाह तुगलक के खत्म होने के बाद जितने भी तुगलक शासक आए, ठीक है, वो उतने शक्तिशाली नहीं थे। देखिए, कभी भी कोई बाहरी आक्रमण तभी कर पाता है जब आपका शासक कमजोर होता है, क्योंकि उसका आक्रमण, क्योंकि अगर वो शासक मजबूत होगा, ठीक है, तो बाहरी लोग कभी भी आप पर आक्रमण कर नहीं पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो फेल हो जाएंगे। जैसे अगर आप बात करें, जितने भी आप बड़े शासक आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी सल्तनत को आप उठा के देख लीजिए, जैसे ही आपके सक्सेसर्स कमजोर निकले, डायनेस्टी का पतन हुआ, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मुगल काल हो। देखिए, अगर आप खिलजी वंश की भी बात करें, ठीक है, या हम स्लेव डायनेस्टी की भी बात करें, तो स्लेव डायनेस्टी में बलबन के खत्म होने के बाद
कोई ऐसा शासक नहीं बचा जो उस डायनेस्टी को चला सके। इसी कारण से उस डायनेस्टी को खत्म कर दिया खिलजियों ने। खिलजियों में भी अलाउद्दीन खिलजी के बाद, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ताकतवर था, ठीक है, तो उसके टाइम तो कुछ, क्योंकि वो जो भी विद्रोह होता था उसको दबा देता था, ठीक है, क्योंकि वो ताकतवर था। ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक ताकतवर थे। उसके बाद जितने भी तुगलक राजा आए, शासक आए, वो उतने शक्तिशाली सुल्तान नहीं थे। इसीलिए इसमें भी, चूंकि वो अधिक शक्तिशाली नहीं थे, ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिली तैमूर लंग को भारत पर आक्रमण करने। देखिए, जब दुश्मन कमजोर होता है तभी आक्रमण करते हैं। जैसे कहा जाता है ना, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, ठीक। तो वो इसीलिए था, क्योंकि बाकी सुल्तान जो थे वो कमजोर थे, ठीक है, वो उतने मजबूत नहीं थे। और इसी कारण से क्या हो रहा था कि जो तैमूर लंग ने इसका फायदा उठाया, और इसी फायदा उठाने के चलते तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में तैमूर लंग ने भारत पर 1398 पे आक्रमण कर दिया। तो ये चार रीजंस थे तैमूर के आक्रमण के। पहला था काफिरों को उन्मूलन करना, मूर्ति पूजा को खत्म करना। दूसरा था धन संपदा या इकोनॉमिक या पैसा लूटना। तीसरा जो था अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना। और चौथा था तुगलक सुल्तानों का इनकॉम्पिटेंट होना, ठीक है, मतलब उनका जो है उतना कारगर ना होना, उतना शक्तिशाली सुल्तान ना होना। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो रीजन समझ में आए कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, ठीक। अब तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसने भारत को लूटा, धन संपदा को लूटा, तो उसके कुछ इंपैक्ट भी पड़े होंगे। देखिए, कोई भी जब भी आक्रमण करता है किसी भी जगह पर, तो उसका एक इंपैक्ट भी उस जगह पर पड़ता है। तो अब हमें उसका इंपैक्ट देखना है, या हम जिसको प्रभाव कहते हैं, कि भाई तैमूर लंग ने जो भारत पर आक्रमण किया, इसके क्या प्रभाव पड़े भारत के ऊपर, ठीक है। तो अब अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उनके प्रभाव, तैमूर लंग के प्रभाव, ठीक है। इसने जो आक्रमण किया उसके क्या इफेक्ट्स हुए या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक। सबसे पहला जो इम्पैक्ट था, मोस्ट कॉमन, डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। देखिए, तुगलक डायनेस्टी का पतन हुआ। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, तुगलक वंश के जितने भी सुल्तान थे वो कमजोर थे, उनको बुरी तरीके से उसने हराया, ठीक है, जिसके कारण तुगलकों सुल्तानों की जो प्रतिष्ठा थी, ठीक है, वो पूरी तरीके से गिर गई थी। आप सोचिए, कोई भी आक्रमणकर्ता जो है वो आ रहा है आपके देश में, ठीक है, आप पर आक्रमण कर रहा है, आपकी धन संपदा को लूट रहा है, ठीक है, आपके लोगों को मार रहा है, ठीक है, और आपका सुल्तान जो है वो कुछ कर नहीं पा रहा, तो इससे क्या होगा, उनकी साख गिरेगी, ठीक है। तो जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि तुगलक वंश के जो सुल्तान थे वो कमजोर थे, ठीक है, तो इस कारण से वो कुछ कर नहीं पाए। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि तुगलक वंश के जितने भी सुल्तान थे उनकी प्रतिष्ठा जो है वो पूरी तरीके से गिर गई, और अंत में तो ये हाल हो गया कि तैमूर लंग का ही एक शासक था मल्लू खां, ठीक है, उन्हीं का एक गवर्नर था मल्लू खां, ठीक है। बाद के जितने भी तुगलक शासक थे, ठीक है, वो इस मल्लू खां की कठपुतली बन गए थे, ठीक है, मल्लू खां की क्या बन गए थे, पुतली, कठपुतली बन गए थे। और अंततः मल्लू खां ने क्या किया, सबको हटा दिया था, ठीक है। तो सबसे पहला इंपैक्ट क्या पड़ा कि तुगलक डायनेस्टी का विनाश हुआ। इसके बाद अगला अंगवाद करें तो डिक्लाइन ऑफ इंडियाज प्रॉस्पेरिटी। देखिए, तैमूर लंग ने भारत पर जब आक्रमण किया तो सिर्फ और सिर्फ उसने धन नहीं लूटा, उसने लोगों को भी बड़ा बर्बर तरीके से मारा था, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ धन की लूट नहीं हुई या धन का ही नुकसान नहीं हुआ, अपितु लोगों का भी नुकसान हुआ, ठीक है। और जितना भी धन इसने लूटा था भारत से, वो सारा का सारा कहां ले गया, समरकंद, ठीक है, अपनी राजधानी समरकंद, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए तो भारत को लूटा, तो जाहिर सी बात है कि भारत की धन संपदा क्या हुई, कम हुई, ठीक है। तो इंडियाज प्रॉस्पेरिटी हैज बीन डिक्लाइन, ठीक है। तो तैमूर लंग के आक्रमण के कारण भारत की समृद्धि का भी क्या हुआ, नाश हुआ। अगला, अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। देखिए, अब तैमूर के आक्रमण के पश्चात, देखिए तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो जाहिर सी बात है अब तुगलक वंश कमजोर हो गया, दिल्ली कमजोर हो गई, ठीक है। और जब भी कभी कोई डायनेस्टी कमजोर होती है, ठीक है,
तो वहां पर कुछ ऐसी छोटे सूबे होते हैं जो तमाम सूबे जो होते हैं वो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं, इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब जो छोटे छोटे सामंत बनाए गए थे एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्षेत्र के, अब उनको ये समझ में आ गया कि भैया तुगलक डायनेस्टी जो है वो कमजोर पड़ गई है, ठीक है, तो अब हम इनको अपना माई बाप क्यों माने, हम खुद ही अपने आप में माई बाप हैं। तो ये हमेशा होता है, आप जितनी भी डायनेस्टीज उठा के देख लीजिए, जब जब डिक्लाइन हुआ है तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। तो ऐसा इस केस में भी हुआ भारत का विकेंद्रीकरण। जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली कमजोर हो गई, दिल्ली कमजोर होने के कारण जो सूबे के जो थे, ठीक है, सरदार, उन्होंने अपना स्वतंत्रता घोषित कर दी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो एक थे जौनपुर के, ठीक है, तो जौनपुर में थे ख्वाजा जहां, ख्वाजा जहां, ये जौनपुर के थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुजरात, ठीक है, गुजरात क्षेत्र के एक थे, ठीक है, जिनका नाम था मुजफ्फर खान, मुजफ्फर खान, ठीक, ये गुजरात के थे, इन्होंने भी अपना स्वतंत्रता का झंडा उठा लिया, सॉरी मुजफ्फर शाह खान नहीं, शाह, आई एम सॉरी, गुजरात के कौन थे, मुजफ्फर शाह, ठीक है। ख्वाजा जहां किसके थे, जौनपुर के थे, ठीक है। इवन अगर हम बात करें तो मालवा क्षेत्र, ठीक है, मालवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां पे थे दिलावर खान, ठीक है, दिलावर खान, ठीक। तो ये सब जो लोग थे इन्होंने क्या कर लिया था, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करनी थी, उनको समझ में आ गया कि भाई अब तुगलक डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई है, अब कोई माई बाप है नहीं, ठीक, तो हम खुद ही अपने आप में माई बाप बन जाए। तो जौनपुर के ख्वाजा जहां, गुजरात के मुजफ्फर शाह और मालवा के दिलावर खान, ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया, धीरे धीरे अपने आप को क्या कर लिया था, स्वतंत्र कर लिया था, ठीक है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो पंजाब की अगर हम बात करें, आज का जो पंजाब और नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ठीक है, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन, ठीक है, यहां पर इनका एक मिलिट्री ऑफिशियल हुआ करता था खिजर खां, ये नाम याद रखिएगा, खिजर खां, मैंने आपको बताया था सैयद वंश का संस्थापक, ठीक है, बाद में ये तुगलक वंश को हटा के किसका, खिजर खां क्या करेगा, सैयद वंश की स्थापना, ठीक है। तो पंजाब और नॉर्थ वेस्ट रीजन में कौन था सैन्य अधिकारी, खिजर खां, उसने वहां की रीजन को कंट्रोल में ले लिया था, ठीक। तो इस तरीके से तैमूर लंग के आक्रमण के कारण भारत का विकेंद्रीकरण हुआ, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है लोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था, स्वतंत्र करना। चौथा इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि जितने भी भारत के शिल्पकार थे, इंडियन आर्टिशियंस, इनको सेंट्रल एशिया ले जाया गया। देखिए जब तैमूर लंग यहां पर आया, ठीक है, उसने आक्रमण किया तो बहुत सारे भारत में बहुत अच्छे आर्टिशियन या जिनको हम शिल्पकार कहते हैं, ठीक है, आर्टिशियन मतलब जिनको हम शिल्पकार कहते हैं, तो बहुत से भारत के ऐसे शिल्पकार या जो कारीगर हुआ करते थे, ठीक है, कारीगर जो हुआ करते थे, इनको उठा करके कहां ले जाया गया, समरकंद, ठीक है, और वहां पर नक्शाई कराने का काम, मस्जिद बनाने का काम, ये सारा काम किनको दिया गया, ठीक है, इंडियन आर्टिशियंस को। तो भारत के ही शिल्पकार और कारीगरों को यहां से उठा के समरकंद ले जाया गया, और सेंट्रल एशिया में फिर जो मस्जिदें वगैरह बनी वो सब इन्हीं लोगों ने बनाई, ठीक है। तो तैमूर लंग के आक्रमण के कारण ही सेंट्रल एशिया वाले रीजन में भारत के कारीगरों का आगमन हुआ, जो भारत के कारीगर थे, ठीक है, या शिल्पकार थे, ठीक। तो इसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा। और पांचवा और जो आखिरी इम्पैक्ट पड़ा वो था मुगलों की विजय का रास्ता तैयार हो गया। देखिए तैमूर के आक्रमण का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा, दिल्ली सल्तनत बुरी तरीके से कमजोर हो गई थी, ठीक है, आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत, जो अगर हम सैयद और लोदी की बात करेंगे तो सैयद और लोदी के टाइम पर बहुत ज्यादा टेरिटरी दिल्ली सल्तनत की नहीं थी, तुगलकों के टाइम सबसे ज्यादा थी, ठीक। तो तुगलकों का जैसे जैसे विनाश हुआ तो एक तरीके से कहा जाए तो दिल्ली सल्तनत का ही पतन होना शुरू हो गया। और दिल्ली सल्तनत के पतन का ही फायदा कौन उठाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद मुगल आए,
मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी, जो आखिरी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, उसको खत्म किया और मुगल वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो तैमूर के आक्रमण के कारण ही, ठीक है, एक तरीके से मुगल विजय का मार्ग खुल गया कि साहब अब दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है, अब ये खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बाबर चूंकि तैमूर की ही नस्ल का था, मैंने आपको बताया था बाबर के बारे में, बाबर भी किसी एरिया से आया था, यही सेंट्रल एशिया वाले समरकंद वाले एरिया से, तो उनकी ही नस्ल का था। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए तो चूंकि उस टाइम पर, देखिए याद करिए आप, तैमूर ने भारत का जो पंजाब और नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था, ठीक है, इस पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, और तैमूर लंग ने अपना ही व्यक्ति यहां पर बिठा दिया था जिसका नाम था किज खान। ठीक है, अब जब मुगल शासक था बाबर, ठीक है, बाबर ने ये पंजाब और नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन को क्लेम किया कि साहब ये हमारे पूर्वज जीत के गए थे तो इस पर अधिकार हमारा है। देखिए, इब्राहिम लोदी के साथ बाबर की, इब्राहिम लोदी के साथ बाबर की जो लड़ाई का एक एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि पंजाब और जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था, इस पर क्लेम बाबर कर रहा था अपना। बाबर ये कह रहा था कि भाई आज से करीब 200 साल पहले हमारे तैमूर लंग भारत पर आए थे, उन्होंने आक्रमण किया था और इन क्षेत्रों को जीता था, तो उनका उत्तराधिकारी के रूप में इन क्षेत्रों पर अधिकार हमारा है। ठीक है, मतलब कि वो बाबर ये कहना चाह रहा था कि भाई भारत का जो ये दिल्ली है, पंजाब वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, ये तो हमारे पूर्वज तैमूर लंग ने जीत लिया था, तो कायदे से देखा जाए तो ये सब हमारा है। तो बाबर जो था वो इस पर क्लेम कर रहा था, और इब्राहिम लोदी जो था वो इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ, ठीक है, पहला बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, तो उसका एक रीजन ये भी था कि बाबर जो था वो भारत की टेरिटरीज को क्लेम कर रहा कि भाई हम तैमूर लंग के वंशज हैं। ठीक है, हम तैमूर लंग, हमारे जो पूर्वज हैं वो यहां से जीत के गए थे, ये रीजन सारा हमारा था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, तो ये क्या बना, ये तैमूर लंग का आक्रमण क्या बना, एक मार्ग बन गया कि बाबर ने भारत पर फिर आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी को खत्म किया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो ये जो था वो था तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण। हमने देखा तैमूर लंग के क्या रीजंस थे, किन कारणों से उसने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें पहला कारण था धार्मिक कारण, दूसरा था आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीजन, पैसा लूटना था, तीसरा राजनीतिक कारण, अपने स्टेट को एक्सपांड करना, पॉलिटिकल रीजन, और आखिरी जो था वो तुगलक वंश के सुल्तानों की अयोग्यता। फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई भी अच्छा सुल्तान या एक कहें पावरफुल सुल्तान नहीं आ पाया। अब तैमूर के आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े, तुगलक वंश की खत्म हो गए, भारत की जो धन संपदा थी उसको लूटा गया, भारत में बंटवारा हो गया, अलग अलग स्टेट अलग अलग बन गए, जौनपुर ख्वाजा जहां, गुजरात बात करें तो मुजफ्फर शाह, मालवा दिलावर खान, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट में खिजर खान। ठीक, आप उसके बाद फिर भारत से जो कारीगर या जो नक्काशी हुआ करती थी वो सारे लोग जो है सेंट्रल एशिया गए, और इनकी जीत ने मुगलों के आक्रमण को और उनकी जीत को के लिए मार्ग जो है वो प्रतिष्ठित कर दिया। क्लियर भाई? ठीक, यहां पर आकर के हमारा ये तैमूर इन्वेजन खत्म होता है। एक चीज याद रखिएगा, ये इनका जो गवर्नर था पंजाब और नॉर्थ वेस्ट रीजन का, खिज्र खान, ठीक है, ये क्या करेगा, ये सैयद वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, तुगलक वंश को खत्म करेगा और सैयद वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे वो देखेंगे सैयद वंश, और सैयद वंश के साथ ही हम लोदी वंश को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लोदी वंश भी हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटियन, उनका इकोनॉमी, उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें हम एक साथ देखेंगे और दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण देखेंगे, दिल्ली सल्तनत क्यों खत्म हुई। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए,
अगर आपको हमारा आपको कोई भी डाउट उठ रहा है ठीक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।